अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने 3 गोवंश पशुओं में लंपी स्किन रोग के लक्षण दिखाई दिए जाने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को शीघ्र इलाज प्रारंभ करने के दिए निर्देश। जनपद बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के हरिनगर मोहल्ले में अपनी ससुराल में बाबा का बुलडोजर लेकर पहुंची एक महिला तो पूरे मोहल्ले में मचा हड़कंप। महिला को हाईकोर्ट ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मिला इंसाफ। सिहारा के एमक्यू इंटर कॉलेज के ग्राउंड में चल रहे 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। फाइनल मैच काठ और सलेमपुर के बीच खेला गया। सलेमपुर ने काठ को 50 रन से हराकर विजय प्राप्त की। नगीना में रेलवे फाटक बंद होने के कारण फाटक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आकर 45 वर्षीय महिला की मौके पर हुई मौत। बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित बूढ़े बाबा के मंदिर पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद व फूल चढ़ाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल रहा तैनात। चांदपुर क्षेत्र के फादरसन पब्लिक स्कूल की डिफेंस एकेडमी ने कराई 200 मीटर 400 मीटर व 1600 मीटर की दौड़। प्रतियोगिता में आसपास के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।